वहीं रामनगर से हरीश रावत को टिकट मिलने पर जहां मौजूदा विधायक रणजीत सिंह ने बगावत कर दी है, तो वहीं लालकुआ सीट से संध्या डालाकोटी को प्रत्याशी बनाए जाने पर पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल नाराज हैं। बिल्कुल, टिकट बंटवारे से खफा पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और आपको बताएं कि घोषित प्रत्याशी संध्या डालाकोटी हरीश चंद्र से मिलने पहुंची थी, मगर हरीश चंद्र दुर्गापाल के समर्थकों ने उन्हें रोक लिया। बिल्कुल, बताया ये जा रहा है कि हरीश चंद्र दुर्गापाल के आवास पर आशीर्वाद लेने पहुंची संध्या डालाकोटी को जब रोका गया तो वो आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गई और मिलने की जिद करने लगी, जिसके बाद दुर्गापाल के समर्थकों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पूर्व मंत्री दुर्गापाल के आवास पर लगा कांग्रेस का झंडा भी उतार दिया गया। इसी दौरान दुर्गापाल ने हाथों में माइक लेकर समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। बात मिल रहा है और जनता के सहयोग के आधार पर हम निर्णय लेंगे और चुनाव के मैदान में जाएंगे। कांग्रेस से आपने इस्तीफा दे दिया है? कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया आपने? पार्टी से इस्तीफा मैंने घोषणा कर दी है। जब एक प्रदेश के संगठन ने, केंद्र के संगठन ने एक महिला को जिम्मेदारी दी, वो मातृशक्ति जो इतने यहाँ पर पुरुष बैठे हुए उनकी जगत जननी है, आज ऐसा क्या कारण रहा है जो ये मेरे को आज अपना आशीर्वाद देने को तैयार नहीं है। और अगली खबर के रुख करते हैं, कुशीनगर से है। आरपीएन सिंह के जाते ही कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ने भी इस्तीफा दे दिया है। पडरौना विधानसभा के घोषित प्रत्याशी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। मनीष जायसवाल को कांग्रेस ने वहां से अपना प्रत्याशी बनाया था। बिल्कुल, पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को अपना इस्तीफा भेज दिया है, तो नाराजगी का दौर अब शुरू हो चुका है। मनीष जायसवाल को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था, पडरौना से घोषित प्रत्याशी जिन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। आरपीएन सिंह के जाते ही जो भगदड़ है पार्टी में शुरू हो चुकी है। पडरौना से घोषित प्रत्याशी ने भी अपनी दावेदारी छोड़ दी है। बड़े नेता के पार्टी छोड़ने के बाद क्या हो रहा है कांग्रेस में, ये आप देख सकते हैं।